नमस्कार। जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोट पड़ रहे हैं। यूं तो एक उपचुनाव कोई बहुत मायने नहीं रखता है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसमें 403 सीटें हो विधानसभा में और एक बड़े प्रचंड बहुमत की सरकार वहां सत्तासीन हो। फिर पूरे प्रदेश में घोसी की चर्चा क्यों? आप कहीं भी जाइए जहां राजनीतिक तौर पर जागृत लोग बैठे हो, वहां चर्चा ये होगी कि भाई घोसी में क्या हो रहा है, आखिर घोसी को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों है सियासी गलियारों में। उसका कारण आपको बताता हूं। घोसी में आज जो वोट पड़ रहा है ना, वो वोट कई किस्म के राजनीतिक मुगालतों को दूर कर देगा। धुंध हटेगी, राजनीतिक सत्य स्थापित हो जाएगा और ये कई घरों को प्रभावित करेगा, कई सियासी कुनबों को प्रभावित करेगा। इसलिए घोसी की चर्चा ज्यादा है। केवल एक सीट का बाई इलेक्शन नहीं है। देखिए क्या क्या चीजें दांव पर लगी हैं घोसी में। सबसे बड़ी बात यह कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का पूर्वांचल में अपने समाज के मतदाताओं पर कितना असर है, अब ये एक बड़ा इम्तिहान, एक बड़ा टेस्ट केस घोसी में हो रहा है। घोसी का परिणाम ये बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का राजभर समाज पर असर है या नहीं, यह असर कम हुआ। और जो भी रिजल्ट आएगा इस जांच का, इस चुनावी पड़ताल का, उसी पर निर्भर करेगा ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक पुरस्कार या दंड। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जाएंगे योगी सरकार में या नहीं, ये भी घोसी के फैसले से ही तय होगा। इसलिए घोसी महत्वपूर्ण। दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी बड़े प्रोफाइल पर रखा था। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वो बसपा में भी रहे, मुलायम सिंह के उसमें सपा में भी रहे, मंत्री भी रहे, तो जहां भी रहे प्रोफाइल अच्छा रहा उनका, बढ़ा रहा। अब वो फिर भाजपा में आ गए, भाजपा ने फिर उनको चुनाव लड़ा दिया। क्या ओबीसी समाज पर दारा सिंह का असर अभी भी जस का तस है? ये लाख टक्के का सवाल जो है, इसका भी उत्तर घोसी ही देने जा रहा है। और अगर ये साबित हो गया कि है, वो किसी पार्टी में रहे, अपने समाज पर उनका असर यथावत है, तो दारा सिंह बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, परिणाम विपरीत आया और लगा कि नहीं ओबीसी समाज दारा सिंह के पीछे ही चले, ये जरूरी नहीं, तो महिमा मिटे अपार, तो दारा सिंह विशेष नेता से सामान्य नेता में तब्दील हो जाएंगे और योगी सरकार में उनके मंत्री बनने की संभावनाओं पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। अब नंबर तीन, तीसरा इम्तिहान क्या है, वो है संजय निषाद का और अनुप्रिया पटेल का। इन दोनों की पार्टियां भाजपा के सहयोगी दल हैं, इसी नाते ये दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंत्री हैं, इनकी पूछ है इन दलों की, वो भी दांव पर लगे हैं। भाजपा लोकसभा के चुनाव से पहले ये भी तय कर लेना चाहती है, ये भी जान लेना चाहती है कि हमने अपने सहयोगी दलों को ओवररेटेड तो नहीं कर रखा, यानी जितने का शेयर इनका है नहीं, उससे ज्यादा का दाम लग गया हो। ये भी घोसी से तय हो जाएगा। दारा सिंह की जीत कैसी होती है, होती है नहीं होती है, और होती है तो कितने से होती है, मार्जिन क्या है, और उसमें निषाद पार्टी का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी सब स्क्रूटनाइज होके अमित शाह की टेबल पर पहुंच जाएगा। वहां से इन सब का भी गुणागणित तय हो जाएगा कि भाई लोकसभा चुनाव में इनको कितनी हैसियत देनी और कितनी नहीं देनी, ये भी आप जान लो। इसलिए भी घोसी महत्वपूर्ण है। एक और, अब आइए समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी मैनपुरी के बाई इलेक्शन को छोड़ दीजिए, अदरवाइज लंबे समय से, और मैनपुरी का बाई इलेक्शन एक विशेष परिस्थिति थी, नेताजी के स्वर्गवास के बाद हो रहा था, तो वो एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था एक तरह से। बाकी अब सब जगह देखिए, आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक सपा हारी है। अभी तक ये नियम एक परंपरा थी सपा के भीतर कि अखिलेश जी बाई इलेक्शन में नहीं जाते, ऐसा कहा जाता था प्रचार के लिए। लेकिन न सुधाकर सिंह के लिए वो आए, बाहुबली है उस इलाके के, सुधाकर सिंह सपा के उम्मीदवार है, कह रहे हमारा आखिरी चुनाव है, सिंपैथी वोट मिले। अखिलेश यादव ने भी जोर लगाया है उनके लिए। तो अखिलेश यादव की स्थिति पूर्वांचल में अब क्या है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में सपा ने अच्छा किया था, लेकिन तब राजभर उनके साथ थे, ओम प्रकाश। इस बिना राजभर के क्या साइकिल पूर्वांचल में अच्छा कर सकती है, यह तय हो जाएगा घोसी से। दूसरा एक चैप्टर और है सपा के आंगन का, शिवपाल सिंह ने डेरा डाले रखा है घोसी में, डोर टू डोर कैंपेनिंग और बूथ मैनेजमेंट सब उनके हाथ में है। ये भी तय हो जाएगा कि शिवपाल जी का सांगठनिक कौशल कितना है और उसका ताप कितना बरकरार है, ये भी तय हो जाएगा यहीं से घोसी से। और घोसी से एक चीज और तय होने जा रही है कि अगर मायावती अब उम्मीदवार ना खड़ा करें किसी जगह पर, तो उनका जो वोटर है, जो 12-13% उनका कमिटेड वोटर है दलित SC ST वाला, वो किसको चुनता है, भाजपा को या भाजपा के विरोधी शिविर, ये भी घोसी से तय हो जाएगा, क्योंकि घोसी में उनका उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा मायावती का, बसपा ने अपने को बाहर रखा है इससे। तो ये भी लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में सोचिए, तो ये जो टेस्ट है घोसी का, जो लास्ट वाला मैंने कहा बसपा का वोटर किधर जाएगा, ये भी तय होना प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं बसपा अगर नहीं लड़ती है तो उसका लाभ किसको है, बीजेपी को या नॉन बीजेपी फोर्सेस को, ये भी घोसी से तय हो जाएगा। तो इसलिए घोसी केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, आज करीब 4,30,000-32,000 वोटरों वाली जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये वोट कर रही है, यहाँ वोट पड़ रहा है, लेकिन इसका वोट आप ये कह लीजिए कि वो मल्टी टेस्टिंग है, तमाम तरह के प्रदेश के राजनीतिक सवालों का जवाब मिल जाएगा घोसी के जनादेश से। इस और ब्रजेश पाठक, एक ये भी है, ब्रजेश पाठक ने घोसी में काफी समय बिताया है दारा सिंह चौहान के लिए, तो वो भी एक चीज दांव पर है कि देखना होगा कि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सांगठनिक क्षमता, वो भी वहां से मुझे लगता है एक सिग्नल आएगा। तो कुल मिला के तमाम सवाल और सबका जवाब एक कि घोसी क्या फैसला सुनाएगी, दारा सिंह वर्सेस सुधाकर सिंह कहिए, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ कहिए, भाजपा वर्सेस सपा कहिए, और चाहे ये कहिए कि INDIA बनने के बाद ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और RLD दोनों ने सपा को समर्थन किया है INDIA के नाते, क्योंकि गठबंधन हो गया इसलिए केवल सपा लड़ रही है, तो INDIA भी तराजू में है घोसी में, उसका भी कितना वजन है, राई रत्ती समेत सब बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं घोसी पर नजर रखिए, घोसी तमाम सवालों का जवाब देगी। धन्यवाद।